अगर आप भी अपने लोकेशन में एक APS सेंटर ओपन करना चाहते हैं, कस्टमर के खाते से पैसे निकालना या फिर जमा करने का काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं टॉप 5 कंपनी जो कि APS कंपनी होंगे, कौन सा कंपनी सबसे बेस्ट होगा, कौन सा कंपनी में आपको जाना है, क्योंकि ऐसे में काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन में होते हैं और सारे के सारे ID तो ले लेते हैं लेकिन काम किसी एक ID पे भी नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप सभी ID के बारे में, सभी कंपनी के बारे में नहीं जानेंगे तो आप पर्टिकुलर कोई अच्छा कंपनी नहीं चूज़ कर पाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने वाला हूँ कौन सा कंपनी, कौन सा APS कंपनी आपके लिए बेस्ट हो सकता है और कौन सा APS कंपनी में आपको ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि ये पैसों का मैटर है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया है कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर, और अगर आप 1 लाख ही आपका वॉलेट में है और आप वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मोव टू बैंक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कंपनी ही गलत आपने चूज़ किए हैं। सो आपको सबसे पहले माइंड में बिठाना होगा कि कौन सा APS कंपनी अच्छा है। अगर आपको कोई कहे कि हाँ ये APS कंपनी बेटर है, लेकिन आपको ऐसे ही ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है, आपको पहले देखना है, यूज़ करना है। जैसे कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, मैं 5-6 साल से APS सेंटर में काम कर रहा हूँ, यानी कि मेरे पास CSP भी है और APS काफ़ी सारे ID हैं, जिसमें मैं जान चुका हूँ कि कौन सा APS कंपनी ट्रस्टेड है, आपका पैसे नहीं डुबाएगा। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा APS कंपनी में आपका पैसा नहीं फंसेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कौन सा APS कंपनी आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये 5 कंपनी के बारे में बताने से पहले मैं आपको 2 मिनट कुछ बताना चाहता हूँ APS कंपनी के बारे में, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ और कौन सा APS कंपनी आपके लिए बेटर हो सकता है मैं आपको गाइड भी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, अगर आपको APS सेंटर में ही काम करना है, तो जैसे कि पता होगा आपको CSP सेंटर कस्टमर सर्विस पॉइंट, पर्टिकुलर कोई बैंक है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको CSP लेना है, तो आप आँख बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि वो ब्रांडेड है, गवर्नमेंट का बैंक है, तो आप गवर्नमेंट बैंक में आराम से जा सकते हैं। CSP में अगर आप काम करोगे तो CSP में जो भी प्रॉब्लम होगा, आपका ऊपर जो BC ऑफिस होता है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स, आपको वो हेल्प करते हैं। या फिर कोई अदर बैंक का भी अगर आपको CSP मिल रहा है तो आपको वो पहले लेना है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका यही होगा। लेकिन इन केस अगर आपको नहीं मिलता कोई भी CSP, या फिर आपको आपके नाम में आप एलिजिबल नहीं होते हो, तो आप APS सेंटर में APS ID लेकर काम कर सकते हो। नॉर्मली आप टेम्प्ररी हिसाब से काम कर सकते हो, लेकिन जब आपका CSP सेंटर में नाम आ जाएगा, या फिर आपको CSP सेंटर में लगातार ट्राई करना चाहिए, अगर आपको मिल जाता है तो सबसे बेटर वही है मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे पास CSP है SBI का, और अभी SBI CSP में एवरेज बैलेंस हो गया, आपका रूरल बैलेंस हो गया, आपका ट्रांजेक्शन पर अच्छा कमीशन मिल रहा है, तो APS ID लेकर काम कर सकते हो। इसका भी एक बहुत ही बड़ा मतलब बात है, आपको समझना होगा। थोड़ी देर कंपनी का नाम बताने से पहले आपको जानना होगा कि दरअसल APS में कैसे काम करते हैं और कैसे पैसे फंसता है, कैसे लोग डूबते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका बजट मैंने बताया आपका 1 लाख रुपया है, आप दुकान वगैरह सब कुछ सेट कर ले और सब कुछ सेट करने के बाद आप खुद बैठे हो और 1 लाख रुपया निकाले और 1 लाख रुपये से ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दिए हो, तो आप क्या करते हो, वो कस्टमर के आधार से उसके अंगूठे की मदद से आप पैसे निकालते हो 10,000 रुपया। तो अभी आपको समझना होगा अच्छे से, क्योंकि वो 10,000 रुपया आपने कस्टमर को दे दिए, वो तो चला गया, आपके पास पैसा कितना बचा, 90,000। और 10,000 रुपये कहाँ गया, आपके वॉलेट में, जो कंपनी का आपने ID लिए हुए हैं उस कंपनी के ID में, उस वॉलेट में आपका पैसा पड़ा है 10,000 रुपया, ना कि आपके बैंक अकाउंट में। तो सबसे पहले तो आपका बैंक अकाउंट को उसी APS कंपनी के जो वॉलेट है वहाँ पर लिंक करना होता है, क्योंकि आपको सेटलमेंट करने के बाद वो 10,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में आता है, तभी आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे अनगिनत APS कंपनी मार्केट में आ गई हैं, और पहले वो 20-40,000 रुपया खर्चा करके APS कंपनी बना देते हैं और उसके बाद कस्टमर ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मैं भी एक उसमें से एक था। मैं भी अभी जैसे कि APS कंपनी के बारे में ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, कोई भी APS कंपनी कोई बोल देगा कि मेरे को 20,000 देना है या फिर 50,000 देना है, तो मैं किसी का नहीं बना रहा अभी, आप देख सकते हैं मेरे रिसेंटली वीडियो। तो सबसे बड़ी बात यही है, मैं 2 दिन से पहले भी एक मतलब बताया था एक कंपनी के बारे में, वो ग्रो हो गया था लेकिन बहुत सारे लोगों का पैसा, आप जैसे रिटेलर वाले का वो पैसा वहाँ पर फंस गया, उसके बाद सारे लोग टेंशन में आ गए, और जो आपने 10,000 रुपया आपने वहाँ पर वॉलेट में रखा वो आपके अकाउंट में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो APS कंपनी है वो पैसा खा के भाग गया। तो अभी आता है मेन बात, आप कैसे करोगे। वैसे तो आपने 10,000 रुपया आपके अकाउंट में था, मतलब कि आपके वॉलेट में था, तो अगर सपोज मान लीजिए आपने दुकान खोला और 1 दिन में 1 लाख रुपया
कैश उड्रल करके कस्टमर को दे दिए हैं, तो आपके पास क्या बचा? जीरो, कुछ नहीं है पैसा। तो अभी आपका 1,00,000 रुपया कहाँ गया? वो जो कंपनी में आप आईडी लिए हैं उसके वॉलेट में 1,00,000 रुपया पड़ा है। अगर वो उसे उड्रल ही नहीं करेंगे तो आप ट्रांजेक्शन कहाँ से करोगे? तो इसीलिए APS कंपनी के ऊपर ही सारा डिपेंड होता है। जैसे कि आजकल APS कंपनी 5 होंगे, उस APS कंपनी का जो हेड होगा वो सारे को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि एक कंपनी है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, तो वो कंपनी क्या 2-4 ऐसी APS सेंटर का आईडी मतलब वेबसाइट बनाकर एप्लीकेशन बनाकर छोड़ दिया। उसके बाद सारा जो मिलाया पैसा, सारे जो 1-1.5 साल में जितना भी कमाया, पहले वो अच्छे काम करते हैं, सर्विस देते हैं ताकि लोग ट्रस्ट करें, उसके बाद सारा पैसा लगाकर भाग गया। तो अभी आता है आपका सबसे मेन बात कि आप अगर गलत APS कंपनी चूज़ कर लेंगे, गलत फ्रॉड APS कंपनी चूज़ कर लेंगे, तो आपका अभी नहीं पैसे का पैसा, अभी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 1-2 साल तक, लेकिन जो कंपनी चला जाएगा जब 2-3 साल बाद, तब आपका जो 2,00,000 रुपया या फिर 3,00,000 रुपया एक साथ में अगर आप वॉलेट में रखे होंगे तो वो निकाल नहीं सकते। तो इसीलिए आपको अच्छे से वेरीफाई करना है। मैं बोलूँगा तब भी आपको भरोसा नहीं करना है, अपने हिसाब से भी कुछ आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना कि हाँ ये कंपनी में अगर मैं काम करूँगा इसका आप थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, गूगल पे तो सारे अवेलेबल होता ही है, तो वो अगर सही लगे आपको तो वही आप वहाँ पर जाके काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा वो 5 कंपनी है जिसमें आप जाके काम कर सकते हो और आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। तो 5 नंबर पे जो APS कंपनी है उसका नाम जानने के लिए आप आएंगे गूगल पे, ताकि मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स में समझा सकूँ। पेटीएम पेमेंट बैंक, paytmbank.com इसका वेबसाइट है। इसका अगर आप आईडी लेते हैं तो आप थोड़ा सा ट्रस्टेड है ये, क्योंकि पेटीएम एक ब्रांडेड कंपनी है, बहुत सालों से यूज़ हो रहा है। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो कंपनी में आपको अबाउट अस का एक सेक्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेटीएम का डिटेल्स आ जाएगा। विथ ओवर 300 मिलियन वॉलेट एंड 60 मिलियन बैंक अकाउंट वी आर ड्राइविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। तो जो भी मैं 5 कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ सारे का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो पेटीएम पेमेंट बैंक भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद जो 4 नंबर की कंपनी है वो है फिनो पेमेंट्स बैंक, ये भी एक अच्छा कंपनी है। फिनो पेमेंट बैंक में भी आप यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो, और करेंट अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट, डेबिट कार्ड मिलेगा, इंस्टेंटली मिलेगा। पेमेंट बैंक की बात करें तो फिनो पेमेंट बैंक अभी तक का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। जहाँ तक इसकी इंश्योरेंस हो या फिर अदर सर्विस की बात करो तो ये अच्छा परफॉर्म करता है और बढ़िया परफॉर्म करते आ रहा है अभी तक, ऐसा कोई दिक्कत मेरे को दिखा नहीं अभी तक। अगर आप फिनो पेमेंट बैंक का आईडी लेते हैं तब भी आप एक CSP की तरह ही काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको हेल्पलाइन का सपोर्ट का अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो फिनो पेमेंट्स बैंक में भी आप जा सकते हैं। इसके बाद 3 नंबर का जो कंपनी है APS कंपनी, उसका नाम है स्पाइस मनी। 3 नंबर पे ये आता है स्पाइस मनी। तो जो लोग स्पाइस मनी यूज कर रहे हैं उनको पता ही होगा स्पाइस मनी तो लाइफ बनी, मतलब कि ये स्पाइस मनी अगर आपके पास है आईडी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आपको ज़्यादा काम करना होगा, जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपको बैंकिंग सर्विस मिलता है, पेमेंट सर्विस मिलता है, टूर एंड ट्रैवल्स कर सकते हो, बड़ा बाजार है, सुरक्षा है यानी कि इंश्योरेंस भी है, लोन सर्विस है, डिवाइस और अदर सर्विस भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर आईडी लेते हैं तो आधार उड्रल, मिनी ATM, मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग, कैश कलेक्शन, लोन्स, पैन कार्ड क्रिएशन, LIC पेमेंट और ट्रेन टिकट, बस टिकट, फ्लाइट टिकट, ये सब आप कर सकते हो यहाँ पर। इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए अबाउट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है 2014 से ही ये सर्विस लागू हुआ है, मतलब कि ये सर्विस स्टार्ट हुआ था। तो ये पहले स्टार्ट हुआ था 2014 में ICTC टिकेटिंग बोल के, स्पाइस मनी लॉन्च टिकेटिंग बुक विथ ICTC। इसके बाद 2015 में DMT स्टार्ट हुआ, 16 में BPPOU स्टार्ट हुआ और 2017 में APS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम और BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जो भी बिल आप पे करते हो 2017 से ही स्पाइस मनी में लागू हुआ। 2018 में NPCI से अवार्ड मिला, एम्पोस मशीन लॉन्च किया, 2020 में पार्टनरशिप किया किसके साथ, सोनू सूद के साथ,
इसके बाद 2021 में जीरो इन्वेस्टमेंट का एक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो कि इसका जो जर्नी है बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पर इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ सकते हो, कितना डिस्ट्रिक्ट में, कितना ब्लॉक में, कितना पिन कोड में और कितना लोग यहाँ पर आईडी लिए हुए हैं, आप यहाँ पर क्लियरली चेक कर सकते हैं। तो स्पाइस मनी भी आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकता है। इसके बाद जो दो नंबर का जो कंपनी है वो है पे नियर बाय। एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है, बहुत सालों से यूज भी हो रहा है और अभी तक तो अभी कैसे मैं नेगेटिव इसका सुना नहीं हूँ, क्योंकि ये पे नियर बाय जब भी मेरे को पता है कि मैं SSP भी चलाता हूँ, पे नियर बाय आईडी भी है और बहुत सारा आईडी भी मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। तो अगर आधार सर्वर डाउन होता है तो वैसे तो आम बात है सभी APS हो या फिर आपका CSP भी हो बंद हो जाएगा, क्योंकि आप आधार से ही आप पैसे निकालते हो। तो आधार से पैसे निकालते हो, कोई दूसरा अगर रीज़न होगा तो बाकी CSP हो, बाकी APS आईडी भले बंद हो जाएगा लेकिन ये चलता रहता है। लेकिन इसका एक थोड़ा सा मेरे को मतलब कि अच्छा नहीं लगा, कमीशन थोड़ा कम देता है लेकिन ये एवरग्रीन चलता है, ये भी एक प्लस पॉइंट है इसका। जैसे कि अगर आप कोई कंपनी में 10,000 रुपये करने पर उड्रल करने पर आपको जितना ज़्यादा पैसे देते हैं, थोड़ा सा कम आपको पे नियर बाय पे इसलिए देता है क्योंकि इसका सपोर्ट बहुत अच्छा है, इसका एम्प्लॉयज़ वगैरह सबको मतलब मैनेज करने के लिए ही आपके कमीशन के ऊपर थोड़ा सा काटते हैं ये लोग। TDS भी करता है वैसे तो सभी में करता है, तो पे नियर बाय सेकेंड मेरे हिसाब से है, इसीलिए मैंने इसे सेकेंड पोजिशन पर रखा और पे नियर बाय सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। और अभी बात आती है नंबर वन कंपनी जो कि ट्रस्टेबल में ही आता है एक नंबर पर, वो है NSDL पेमेंट बैंक। NSDL पेमेंट बैंक अगर आप लेते हैं तो आप यहाँ पर अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप जैसे कि यहाँ पर पता होगा फिनो पेमेंट बैंक में और आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हो किसी कस्टमर का, तो वो फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, वो यूज कर सकता है अपने UPI की मदद से। और साथ में अगर आप NSDL पेमेंट बैंक की आईडी लेते हो किसी कस्टमर का, खोलते हो अकाउंट, तब भी ये बात भी लागू होती है कि वो कस्टमर फ़ोनपे, गूगल पे, वो सब UPI एक्टिव कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है NSDL पेमेंट बैंक का। तो NSDL पेमेंट बैंक अक्टूबर 2018 से ही शुरुआत हुई है, लेकिन बहुत ही कम समय में ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया। और इसके जर्नी की बात करें तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो 1996 से ही इसका सिक्योरिटी डिपॉजिटरी स्टार्ट हो गया था। इसके बाद 2004 में पैन कार्ड इश्यूएंस टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क में स्टार्ट हुआ, 2006 में नेशनल स्किल रजिस्ट्री में, 2008 में नेशनल पेंशन सिस्टम में, 2011 में आधार इनरोलमेंट में, 2012 में स्टार्ट हुआ KYC रजिस्ट्री का, 2013 में शुरुआत हुआ नेशनल इंश्योरेंस रिपोजिटरी का, 2016 में शुरुआत हुआ नेशनल पेमेंट प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट इंडिया, और 2018 में स्टार्ट हुआ NSDL पेमेंट बैंक। तो ये इसका जो जर्नी है, बहुत साल पहले ही ये कंपनी मतलब कि अभी आप सोच लीजिए 1996 से अब तक 26 साल हो चुका है इसका। 26 साल में कोई कंपनी का डिटेल्स मतलब आपको वेरीफाई करना ये बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि ये भले ही पहले कंपनी का जो एक्सपीरियंस है 2018 से ही पेमेंट बैंक में ही है, लेकिन पहले का आप यहाँ पर जर्नी देख लीजिए कौन सा फील्ड में क्या काम करता है, तो बहुत सारा आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप NSDL पेमेंट बैंक, पे नियर बाय, स्पाइस मनी, फिनो पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक लेते हैं तो आप बिना टेंशन के काम कर सकते हैं। आपका जो वॉलेट में पैसा रहेगा बिल्कुल भी सेफ रहेगा, 100% श्योर है। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी ट्रस्टेड कंपनी है जो कि मैंने लिस्ट में नहीं रखा हूँ, क्योंकि मेरे को ये 5 कंपनी के ऊपर ही पूरा भरोसा है और बाकी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है। भले वो ट्रस्टेबल होगा लेकिन मैं उसे यूज नहीं किया हूँ, जाना नहीं हूँ, पहचाना नहीं हूँ, इसलिए आपको नहीं बता रहा। देखिए ये 5 कंपनी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि अच्छा है, लेकिन आपको पहले देखना होगा, समझना होगा, परखना होगा, तब जाके आप वो कंपनी को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ये 5 कंपनी को यूज कर चुका हूँ, इसीलिए आपको बता पा रहा हूँ। इसके अलावा बाकी सारी ट्रस्टेबल कंपनी होंगे भी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो कंपनी के बारे में मैं जानता नहीं हूँ। भले ही जानता हूँ तो उसे यूज़ नहीं किया, उसे 1-2 साल यूज़ करने की बात ही तो पता चलेगा कुछ मतलब उसमें क्या नेगेटिव है या फिर कोई प्लस पॉइंट है, बाद में आपको पता चलता है। सो आई होप कि आपको पता लग गया होगा
कि कौन सा कंपनी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, कौन सा कंपनी में आपको जाना चाहिए और कौन सा कंपनी आपके लिए मतलब कि ग्रेट चॉइस हो सकता है। आप में से कितने लोग APS ID ऑलरेडी चला रहे हो और ये पांच कंपनी का जो मैं नाम बताया इसमें से कौन 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 सा कंपनी यूज़ कर रहा है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना भूलिएगा मत। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, और आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सुझाव देना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। और हाँ, अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा।